नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और आज सदन में जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश किया गया और साथ ही आर्थिक संरक्षण का भी रिपोर्ट पेश किया गया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले माले नेताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया और इसका वजह क्या है आप इस रिपोर्ट में सुनिए कि सीपीआई एमएलए मनोज मंजिल ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, अभी अमित शाह जी 5 नवंबर को बिहार में अमित शाह आए थे और जाति गणना को लेकर के भ्रामक बयान देकर के गए हैं, जबकि पूरे देश में भाजपा को जाति गणना करना चाहिए। भाकपा माले कह रही है कि जाति गणना के रिपोर्ट के आधार पर बिहार में एससी एसटी ईबीसी ओबीसी के आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए और उसका जो सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट है उसके आधार पर दलित गरीबों वंचितों के विकास की योजना बनानी चाहिए। ये जो निजीकरण है, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, रेलवे का, बैंकों का निजीकरण, तो निजीकरण ये आरक्षण को खुद समाप्त कर देगा। इसलिए आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण को बढ़ाने के लिए निजीकरण का विरोध करनी चाहिए, निजीकरण को निजीकरण पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल, ईडब्ल्यू जो एस है वो गैर संवैधानिक है, संविधान और आरक्षण के मूल प्रावधानों के खिलाफ है। जो आरक्षण किस आधार पर मिला था, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर ऐतिहासिक रूप से शोषित उत्पीड़ित वर्ग को समानता लाने के लिए, उनके प्रतिष्ठा के मामले में उनके और वर्गों के लिए वो अवसर मिले, और वर्गों के बराबर अवसर मिले, इसके लिए आरक्षण लाया गया था। आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं लाया गया था, इसलिए ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के मूल प्रावधानों के खिलाफ है, इसलिए उसे वापस लेनी चाहिए। तो आपने सुना सीपीआई एमएलए मनोज मंजिल को, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अमित शाह बिहार आए थे 5 नवंबर को, तो उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर लोगों को भ्रम करने वाला ऐसा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी को चाहिए कि पूरे देश का जातीय जनगणना करवाए। साथ ही आपको बता दें कि माले नेताओं ने यह मांग किया है कि सवर्ण को जो आरक्षण दिया जाता है उसको खत्म कर दिया जाए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।